निंजा, ये शब्द सुनने के बाद दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद एक ऐसा बंदा जिसने काले कलर के कपड़े पहने हो और वो अपने ओपोनेंट को चोरी छुपे मारता हो, राइट? है ना? बिल्कुल भी नहीं। खास करके तब जब आपने ये गेम खेला हो जिसमें जो निंजा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो अपने ओपोनेंट को चोरी छुपे नहीं मारता बल्कि आंखों में आंखें डालकर सीना चीर के उनको मारता है। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं निंजा अराशी गेम के बारे में, और इस वीडियो में हम इसी गेम की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, यानी कि निंजा अराशी 1 और निंजा अराशी 2 की स्टोरी को। सो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो निंजा अराशी 1 गेम की स्टोरी स्टार्ट होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि एक डीमन जिसका नाम है ओरोची उसे 10 साल से कैद करके रखा हुआ है, और अब यानी कि 10 साल बाद उसकी आंख खुलती है और वो अपने आप को आज़ाद कर लेता है और अब उसे बदला चाहिए। तो वो अपने गले पे देखता है कि उसके गले में एक लॉकेट है, वो उस लॉकेट को निकालता है और देखता है कि उस पर एक नाम लिखा हुआ है, और वो नाम और किसी का नहीं बल्कि हमारे गेम के मेन प्रोटैगनिस्ट का होता है, यानी कि अराशी का। उस लॉकेट पे अराशी लिखा होता है, और अब अराशी से बदला लेने के लिए वो अराशी के घर पे जाता है, लेकिन उस वक्त वो अपने घर पे नहीं होता जिस वजह से वो अराशी की वाइफ को मार देता है और उसके बेटे को किडनैप कर लेता है। और जब अराशी लौटकर घर पे आता है तो वो देखता है कि घर जल चुका है और दीवार पर उसकी पत्नी के खून से लिखा हुआ है फाइंड मी, और चाकू घुसाकर उसके लॉकेट को लटकाया होता है, और ये वही लॉकेट है जिस पे अराशी का नाम लिखा हुआ है। घर में और अंदर जाने के बाद अराशी को यह पता लगता है कि उसकी वाइफ को मारा जा चुका है और उसके बेटे को किडनैप किया जा चुका है, लेकिन अराशी को पता है कि ये सब किसने किया है, इस वजह से वो उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद गेम शुरू होता है, और ओरोची को मारने के लिए आपको 3 चैप्टर कंप्लीट करने पड़ते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, जिसके लास्ट लेवल में अराशी की ओरोची से फाइट होती है और अराशी ओरोची को डिफीट कर देता है। जिसके बाद अराशी ओरोची से कहता है तुम्हारा खेल खत्म हुआ ओरोची, तो ओरोची अराशी से कहता है मजा आना तो बस शुरू हुआ है। तभी अचानक से अराशी के बेटे के आसपास ठंडी हवाएं बहने लगती है, और ये देख के ओरोची कहता है तुमने देर कर दिया अराशी, तुम इस परंपरा को नहीं रोक सकते, दोस्तों को हम समन करके रहेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि बर्फ में से डोसू जाग जाता है और उसने पूरी तरह से अराशी के बेटे को अपने वश में कर लिया होता है। जिसके बाद डोसू और अराशी में बात होती है, और इस बातचीत में डोसू अराशी को कहता है केवल अराशी क्लैंस के बच्चों की एनर्जी की मदद से मुझे जगाया जा सकता है या फिर कैद किया जा सकता है। और वो कहता है कि पता नहीं मैं कितने सालों से कैद था। अराशी कहता है मैं तुम्हें वही भेज दूंगा जहाँ से तुम आए हो। जिस पे डोसू हंसते हुए कहता है हा 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 मजाकिया इंसान। और डोसू अराशी को कहता है तुम जियोगे एक ऐसी जिंदगी जो कि मौत से बदतर है। और देखते ही देखते डोसू अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर अराशी को बर्फ में जमा देता है। और कुछ देर बाद अराशी को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले डोसू को कैद कर लिया गया था रॉयल शाम्स के द्वारा अराशी के अंदर की पावर का इस्तेमाल कर, जिसका मकसद था उसको हमेशा के लिए कैद करना, और उस समय ओरोची लीडर था शामंस का, लेकिन पावर के लालच ने उसको करप्ट कर दिया, जिसके बाद उसने राजा का मर्डर किया और खुद का एक रेबिलियन ग्रुप स्टार्ट किया, और उसने अराशी को भी ऑफर किया पैसा और उसके डोमिनेंस में पार्ट। ये तब होता जब अराशी मानता उसकी एनर्जी का यूज कर डोसू को कंट्रोल करने के लिए, और ये भी उनके विल के अकॉर्डिंग, लेकिन अराशी ने ओरोची का ऑफर नहीं माना और ओरोची को केव के अंदर सील कर दिया था। जिसके बाद अराशी और उसकी फैमिली ओरोची की किंगडम से भाग जाते हैं। अराशी रिटायरमेंट ले लेता है और वो अपनी नई पीसफुल लाइफ की शुरुआत करते हैं, तब तक जब तक ओरोची बाहर नहीं आता, और ओरोची के बाहर आने के बाद से ही ये कहानी शुरू होती है। और अब कहानी में हम आगे ये देखते हैं कि अराशी आइस केज में पूरी तरह से जम गया है और डोसू अराशी के बेटे को अपने साथ ले जा चुका है, और इसी के साथ निंजा अराशी 1 की स्टोरी खत्म होती है और निंजा अराशी 2 की स्टोरी स्टार्ट होती है। सो निंजा अराशी 2 की स्टोरी स्टार्ट होती है निंजा अराशी 1 गेम के इवेंट्स के 15 साल बाद, जहां एक अननोन अजीब सा आदमी अराशी के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे बेटे को तुम्हारी जरूरत है अराशी, इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, हमें तुम्हारी जरूरत है। जिसके बाद देखते ही देखते वो स्ट्रेंज मैन अराशी को आइस केज में से मुक्त कराने में कामयाब होता है। और वो कहता है तो ये हुई ना बात, ये है पावर लेजेंडरी ड्रैगन ब्लड का। जिसपे अराशी उससे पूछता है मेरा बेटा कहाँ पर है,
जिस पे वो स्ट्रेंज मैन उसको जवाब देते हुए कहता है, मुझे फॉलो करो, हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं डोसू। और हाँ, इससे मुझे याद आया कि अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। जिसके बाद गेम का गेम प्ले शुरू होता है और हम देखते हैं कि इतने साल बर्फ में रहने की वजह से अराशी काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो किसी तरह उस स्ट्रेंज मैन को फॉलो करता है। वो स्ट्रेंज मैन उसको बताता है, मुझे भेजा गया था तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए, तुम मुझे रेवन बुला सकते हो। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में सैकड़ों सवाल होंगे, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, समय हमारे हाथों से निकला जा रहा है। अगर तुम्हें डोसू और अपने बेटे को ढूंढना है तो तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा, मैं ही तुम्हारी आखिरी उम्मीद हूँ। अब हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, ये आर्टिफैक्ट लो, इससे तुम्हारी पावर रिस्टोर हो जाएंगी। जिसके बाद वो स्ट्रेंजर अराशी को एक आर्टिफैक्ट देता है जिससे उसकी पावर रिस्टोर हो जाती है। और थोड़ा आगे जाने के बाद वो कहता है कि यहाँ से छलांग मार दो अराशी, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। जिसके बाद कहानी में आगे, क्योंकि बाहर स्ट्रॉम चल रहा होता है, इस वजह से रेवन यानी कि वो स्ट्रेंज आदमी और अराशी दोनों एक पुराने घर में शरण लेते हैं। और रेवन अराशी को कहता है कि बाहर तूफान बढ़ रहा है, ऐसा दिख रहा है कि डोसू को पता चल गया कि तुम जाग चुके हो। बाहर बहुत ठंड है, इतनी ज्यादा खतरनाक ठंड कि तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है, कोशिश करो ऐसे शेल्टर्स को ढूंढने की जैसे में हम अभी है, जिंदा रहो अराशी। जिसके बाद अराशी निकल जाता है अपनी जर्नी में, जिसमें उसको 3 एक्ट्स कंप्लीट करने होते हैं 60 स्टेजेस के, और उसे 3 बॉसेस से भी लड़ना होगा। लेकिन ये जर्नी आसान नहीं होगी, क्योंकि अराशी को ओरोची के सारे रेबिलियन ग्रुप्स के मेंबर से लड़ना होगा, या ऐसा कह लो कि ओरोची की पूरी आर्मी से लड़ना होगा, जिनको एक एक करके हराने के बाद ही हम बॉसेस से लड़ सकते हैं। जिसके बाद कहानी में आगे हमारी फर्स्ट बॉस से फाइट होती है, और फर्स्ट बॉस से फाइट होने से पहले हम वापस से रेवन से मिलते हैं, और रेवन हमें बताता है कि गार्डियंस के बीच के मैजिकल बॉन्ड से 200 टावर को सील कर दिया गया है, और एक्सिस पाने के लिए तुम्हें सारे गार्डियंस को डिफीट करना होगा। और यहाँ खड़ा है पहला गार्डियन, कनाशी द स्वॉर्ड मास्टर, गुड लक अराशी। जिसके बाद अराशी और कनाशी में फाइट होती है। कनाशी यू तो काफी ज्यादा स्किलफुल फाइटर होता है, लेकिन अराशी से ज्यादा नहीं, इस वजह से अराशी उसको डिफीट कर देता है। जिसके बाद कहानी में आगे अराशी निकल जाता है अपनी जर्नी में सेकंड बॉस को ढूंढने के लिए, और फाइनली वो सेकंड बॉस को ढूंढ लेता है। और हमेशा की तरह रेवन उसका इंतजार कर रहा होता है, और रेवन उसको बताता है कि तुम्हारा इस बार का ओपोनेंट है याशा द बो मास्टर। वो एक्सट्रीमली एजाइल है और हमेशा मैनेज करता है उसके एनिमीज से एस्केप करने में। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी डिसएडवांटेज होंगी अगर तुम उससे एक डिस्टेंस में लड़े। तुम्हारी बेस्ट स्ट्रेटेजी होंगी टाइमिंग पर डॉज रोल करना और चोरी छुपे उस पर हमला करना। केयरफुल रहना अराशी, गुड लक। जिसके बाद अराशी और याशा के बीच में फाइट होती है। याशा यू तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्किलफुल फाइटर होता है और काफ़ी ज़्यादा तीर चला रहा होता है हमारे प्लेयर पे, लेकिन फिर भी वो हमारे प्लेयर को यानी कि अराशी को डिफीट नहीं कर पाता, और अराशी उसको डिफीट कर ही देता है। और इसे डिफीट करने के बाद अराशी निकल जाता है अपनी जर्नी में थर्ड बॉस की तरफ, एंड फाइनली वो थर्ड बॉस तक पहुंच जाता है, और हमेशा की तरह रेवन उसका इंतजार कर रहा होता है, और रेवन उसको बताता है कि यह है आखिरी गार्डियन कीडो द टेरर। उसको हरा दो और तुम पोर्टल की सील को तोड़ पाओगे जो कि 200 टावर तक ले जाती है। शांत रहना, उससे घबराना नहीं, गुड लक अराशी। जिसके बाद अराशी और कीड़ों के बीच में फाइट होती है, और किसी तरह अराशी कीड़ों को डिफीट कर देता है। जिसके बाद कीड़ों मरते वक्त अराशी को कहता है, तुम बस इस गेम के मोहरे हो अराशी, सिर्फ एक पपेट और कुछ नहीं। और इसी के साथ बॉस स्टेज कंप्लीट होती है, लेकिन अभी तक इस गेम का एक्ट 4 नहीं आया है, जिसका मतलब ये है कि इतनी ही स्टोरी अभी तक हमें पता है। सो क्या अराशी डोसू को ढूंढने में कामयाब हो पाएगा, और अगर उसने उसको ढूंढ लिया तो क्या उसको वो हरा पाएगा? और अभी इतने सालों में यानी कि 15 सालों में तो उसका बेटा भी बड़ा हो गया होगा, तो क्या वो अपने बेटे को बचा पाएगा? क्या उसका बेटा जिंदा है या मर चुका है? इन सारे सवालों के जवाब हमको आने वाले एक्ट में यानी कि एक्ट 4 में पता चलेंगे, और अगर एक्ट 4 रिलीज होता है तो मैं उसकी स्टोरी वीडियो बना दूंगा। सो बस गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को
सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ ऑप्शन में से ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट करना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ गेम्स खेलना चाहते हो और मेरे साथ गप्पे मारना चाहते हो, इंटरेक्ट करना चाहते हो, टाइम पास करना चाहते हो तो मेरी डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जाकर मेरे साथ बात कर सकते हो और साथ में हम ब्रॉल हला खेल सकते हैं। सो बस गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।